हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर? मैं वेल फ्रेंकली स्पीकिंग यू नो इज़न्ट दिस स्टेट सफरिंग बिकॉज ऑफ यू नो द वे दे आर ट्रीटिंग योर चेयरमैन एंड एवरीबॉडी एल्स. देखो ये तो जरूर होगा पूरे करेंगे कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे जी हमारे से आम पुष्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे. ठीक है मैं वो बना के आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज सारी इन्फॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ. पीटीआई की IMF डील नाकाम बनाने की साजिश का भांडा फूट गया. साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की पंजाब और KP के वज़राए खजाना के साथ मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक. शौकत तरीन के वजीर खजाना पंजाब मोहसिन लगारी को IMF डील से मुकर जाने के अहकाम कहा उनसे कहें ये कमिटमेंट सैलाब से पहले की थी अब सैलाब आ गया है हमें ज्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे ये बिल्कुल स्पॉट फ्री जा रहे हैं ये नहीं होने देना ऐसा सीन करेंगे ये नजर ही ना आए कि हम रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं. वजीर खजाना पंजाब ने जवाब दिया सर इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा. शौकत तरीन ढिटाई से बोले जिस तरह चेयरमैन और दीगर को ट्रीट किया जा रहा है क्या उससे रियासत को नुकसान नहीं हो रहा. शौकत तरीन का वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा को भी IMF डील रुकवाने के लिए खत लिखने का हुक्म कहा सबसे पहला पॉइंट यह होगा कि सैलाब ने खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क कर दिया. लगारी को भी कह दिया है कि तैमूर झगड़ा ने कहा वैसे यह ब्लैकमेलिंग का हरबा है पैसे तो किसी ने वैसे नहीं छोड़ने. किस लेवल पे आज असद उमर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है इनको शर्म नहीं आई? तैमूर झगड़ा को शर्म नहीं आई? क्या इमरान खान पाकिस्तान का नाम बदल के बनी गाला रख दें क्या? क्या इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा हो गया है? अब शौकत तरीन ने कहा कि ये अभी निकाल दो इससे पहले कि कुछ हो और गालियां दी माँ बहन की और उसके बाद इसने कहा कि इससे पहले कुछ हो मीडिया का जमाना है IMF को फौरन मिल जाएगा. सिर्फ मोहसिन लगारी ने पूछा कि क्या रियासत को नुकसान होगा तो शौकत तरीन ने आए बाएं शाएं कर दी. मैं कहता हूं इसलिए सियासतदान बने तो PTI ने गिरी हुई हरकत की आर्किटेक्ट शौकत तरीन है. मुल्क के खिलाफ साजिश करते हो शर्मानी चाहिए तमाम हदें पार कर दी गई. वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल मुबैना ऑडियो लीक पर बरस पड़े इमरान खान से माफी मांगने का मुतालबा कहा क्या मेरे अकेले का पाकिस्तान है तुम्हारा नहीं है क्या तुम्हारा मुल्क नहीं डूबेगा क्या हम इमरान खान की सियासत और हवस पर पाकिस्तान को बलि चढ़ा दें क्या पाकिस्तान का नाम बनीगाला रख दें अगर ये सियासत है तो इन्हें सियासत छोड़ देनी चाहिए तैमूर जफर झगड़ा को इस्तीफा देना चाहिए शौकत तरीन भी सियासत छोड़ दें हमने सियासत को दाव पर लगाया और मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया या आज अपनी सियासत के लिए मुल्क की मईशत दाव पर लगा रखे हैं PTI वाले शर्म से आ रही हैं. शौकत तरीन का मोहसिन लगारी से या तैमूर झगड़ा से फोन पे बात करना और मशवरे देने में कोई गलत बात नहीं. उनसे उन्होंने पूछा कि यार ये रियासत के खिलाफ तो नहीं है. उन्होंने ये नहीं कहा हाँ ये रियासत के खिलाफ है लेकिन हमने फिर भी करना है ये उन्होंने नहीं कहा. हाथ को मैं ऑन करता हूँ मैंने साइन किया हो ही नहीं सकता कि मैं ऑन ना करूं. लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है हमें एक रुपए नहीं मिला. जब सैलाब आया तो हम कैसे सरप्लस छोड़ने के पोजीशन में होंगे उसमें जानबूझ के ये नहीं लिखा कि हम अपनी IMF की कमिटमेंट से पीछे जाएंगे. तहरीके इंसाफ ने ऑडियो में बातचीत को दुरुस्त करार दे दिया. असद उमर बोले शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा की गुफ्तगू में कोई गलत बात नहीं. नून लीग जब ऑपोजिशन में थी तो फेटफ कानून पर हमारी मुखालफत की थी. तैमूर झगड़ा ने वफाकी हुकूमत को खत लिखा मुल्क के अंदर कोई कानून बचा ही नहीं. ऑडियो में कट पेस्ट का काम पहले से हो रहा है. वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर जफर झगड़ा ने कहा मैंने खत खुद लिखा उस पर कायम हूँ मैंने सूबे का मुफाद पेश नजर रखा इसमें क्या काबिले एतराज बात है हमारी वफादारी पर सवालात उठाए जा रहे हैं. शरी मजारी ने ट्वीट किया ऑडियो में कुछ गैर कानूनी और गलत नहीं हमने उन शराइत की खुलकर मुखालफत की जिस पर इम्पोर्टेड हुकूमत IMF से कर्ज ले रही है. जो है वो इस वक्त शौकत तरीन को और झगड़ा को और इन बाकी लोगों के ऊपर जो है वो इस वक्त ताने दे रहे हैं उनको. आपकी तो अपनी पार्टी में आपकी कोई पोजीशन नहीं है. ये रियासत कोई ड्राइंग रूमों में बैठे हुए चंद लोगों का नाम नहीं है. ये इन 22 करोड़ लोगों का नाम है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में और इन 22 करोड़ लोगों का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करना उनकी हिफाजत करना हमारी PTI की जिम्मेदारी है.
शौकत तरीन की ऑडियो टेप टुकड़े जोड़कर बनाई गई। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की सफाई, कहा हुकूमत बताए किस कानून के तहत आला शख्सियात के फोन टैप हो रहे हैं। आईएमएफ के पास जाकर इन्होंने हमारी कमर तोड़ दी। इमरान खान की बराह रास्त तकरीर पर पाबंदी मुअत्तल करने पर अदालत के शुक्रगुजार हैं। यह भी कहा कि ढाई माह पहले बारिश की पेशगोई की गई, हुकूमत ने इकदाम फिर भी नहीं किए। सिंध में ड्रेन्स खुले होते तो इतनी तबाही ना होती। सैलाब आने की बुनियादी वजह डैम्स ना बनाना है। हमारे दौर में उठाए गए इकदाम की वजह से बड़े शहर तबाही से बच गए। इमरान खान की बराह रास्त तकरीर पर पाबंदी खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंदी का नोटिफिकेशन 5 सितंबर तक मुअत्तल कर दिया। वकील पीटीआई ने मौकिफ अपनाया। इमरान खान ने सैलाब ज़दगान के लिए फंड रेजिंग करनी है, अदालत ने कहा। आज़ादी इजहार राय को अदालत प्रोटेक्ट करती है, मगर कुछ चीज़ें इससे बाहर हो जाती हैं। आपके ख्याल में पिछले 3 साल टॉर्चर नहीं होता रहा? एक सहाफ़ी को लाहौर से उठाया गया, क्या मातहत अदलिया को इस तरह थ्रेट किया जा सकता है? अगर पेका का कदम ना होता तो इसके तहत सारे अंदर होते। अफसोस ये है, मौजूदा हुकूमत 3 साल में मुतासरा थी, ये भी वही काम कर रही है। बादियों नज़र में पैमरा ने तकरीर पर पाबंदी लगाकर इख्तियार से तजावुज़ किया। मौजूदा हालात में तकरीर पर पाबंदी की कोई मुनासिब वजह नज़र नहीं आती। सैलाब गुजर गया, पीछे सिर्फ और सिर्फ तबाही छोड़ गया। पानी 1061 जिंदगियां निकल गया, 360 बच्चे और 210 खातीन भी शामिल। 33.5 लाख अफराद को बेयारो मददगार छोड़ गया। लाखों घर और अमलाक मलिया मेट हुए, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें मुकम्मल तबाह हुई, हजारों की तादाद में मवेशी बह गए। गुज़िश्ता 24 घंटे मजीद 28 अफराद लुक्मा अजल बने, 7,500 जानवर भी मरे। एक दिन में मुँह जोर पानी मजीद 43,000 मकानात को तबाह कर गया। सफाई हस्ती से मिटने वाले मकानात की तादाद 10 लाख तक जा पहुंची। वफाकी हुकूमत के मुताबिक सैलाब से अब तक $10 अरब का नुकसान हो चुका। सैलाब से बदतरीन सूरतेहाल, पानी उतरने पर मजीद अबतर हो गई। केपी के कई इलाकों का नक्शा ही बदल गया। बालाकोट तबाह हो बर्बाद हो गया। मनोर वैली में खाने पीने की शदीद किल्लत, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। गुज़िश्ता 5 रोज़ से बिजली भी नहीं, 30,000 से जायद अफराद ताहाल महसूर। डीआई खान के नशेबी इलाकों में अब भी कई कई फुट पानी मौजूद। कच्चे की तमाम आबादियाँ खाली करा ली गईं। 4 सदा में मकानात और दुकानें मलबे का ढेर बन चुकी। अब भी कई इलाकों में पानी मौजूद। सगुपुल से 80 अफराद को रेस्क्यू किया गया। पाक फौज ने कोटवली दाद में 5 रोज से फंसे अफराद को निकाला। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खेजर में भी महसूर होने वाले 4 नौजवानों को बचा लिया गया। खुदारा हमारी मदद करें, हमें बचाएं। 4 लाख से ज्यादा अफराद खुले आसमान तले मौजूद। भूख प्यास से तरसती आंखें किसी मौजज़े की मुंतजर। बिलकते रोते बच्चों को क्या दिलासा दें? वालिदैन के अल्फाज जवाब दे गए। राजनपुर और डेरा गाजी खान में किसानों की 2 लाख एकड़ फसल बह गई। लहलहाते खेत आंखों के सामने उजड़ गए। दूर दराज इलाकों में फंसे मुतासरीन अब भी इमदाद के मुंतजर। पानी का बहाव तो कम हो गया, मसाइल कम ना हुए। दीर लोयर में दराए पंचकोड़ा संभल गया। पातराग से कुमराट तक सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। अब भी 200 के करीब सयाह फंसे हुए। कुमराट थल कलकोट समेत कई इलाकों में 10 से 15 राबता पुल तबाह। शहरियों को शदीद मुश्किलात। अशियाए खुरनोश और पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा हो गई। दर्जनों बिजली घर तबाह। इलाके खंडर का मंजर पेश करने लगे। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल कमी। 4 सदा में ख्याली पुल के मकाम पर सैलाबी पानी की सतह में कमी। मंडा हेडवर्क्स पर गुंजाइश से ज्यादा सैलाबी रैला गुजरने से हेडवर्क्स का कुछ हिस्सा तबाह। सरदरियाब के मकाम पर सड़क पर पानी बदस्तूर मौजूद। क्या कोई इतना जालिम और बेजमीर भी हो सकता है? एक तरफ मुंह जोर सैलाबी पानी तो दूसरी तरफ डाकू दन दनाने लगे। मुतासरीन जाएं तो कहां जाएं? डेरा इस्माइल खान में बेबस मुतासरीन का बचा कुचा सामान डाकुओं ने लूट लिया। पैसे जेवरात और सामान सब ले गए। कंदकोट में करमपुर के करीब डाकुओं की मुतासरीन से लूटमार। पुलिस मौके पर पहुंची। मुकाबले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को भी ना छोड़ा। अलखिदमत फाउंडेशन के फंड रेजिंग कैंप पर डाकुओं का हमला। सैलाब जदगान के लिए इकट्ठा किया गया सामान और नकदी ले उड़े। रजाकारों के मोबाइल और मोटरसाइकिलें भी छीन ली।
सैलाब से बचने वालों को हादसे ने आन घेरा। सहवन में सैलाब मुतासरीन से भरी कश्ती उलट गई। 13 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चे भी शामिल। कश्ती में नकल मकानी करने वाले 20 सैलाब मुतासरीन सवार थे। खैरपुर में 6 मंजिला इमारत गिर गई, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। इमारत में 5 खानदान मुकीम थे। कोयटा खंडर बन गया, सैलाब बलूचिस्तान की दारुलहुकूमत का हुलिया बिगाड़ गया। कदीम इलाके गौसाबाद में बड़ी तादाद में मकानात और दुकानें जमीन बोस, करोड़ों रुपए का नुकसान। मुतासरीन बेआसरा, खुले आसमान तले मौजूद। हुकूमत से फौरी इमदाद की अपील। सड़कों पर कई फुट गहरे गड्ढे बन चुके। बकर में दरियाए सिंध बिभरने लगा, फ्लड वार्निंग जारी। सैकड़ों बस्तियां खाली करा ली गईं। बैनुल सुबाई पुल 30 घंटों बाद ट्रैफिक के लिए बहाल। राजनपुर और डीजी खान का भी बुरा हाल। रुझान में मुतासरीन टेंटों के लिए तरसने लगे। तौंसा में सैलाबी सूरत हाल अब भी बरकरार। इंडस हाईवे नौरो से बंद, लैया में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। उधर सिंध के इलाके सेहवन में सुप्रियो बंद पर दो शगाफ पड़ गए। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह का मुतासरा इलाकों का फिजाई जायजा।